बीजक रमायणी प्रकरण की अंतिम रमायणी में सद्गुरु कबीर कहते हैं, ऐ जीरा तैं अपने दुख ही संहार, जेह दुख व्यापि रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। मोर तोर में जरे जग सारा, धृग स्वार्थ झूठा हंकारा, झूठी आस रही जग लागी, इन्हते भागी बहुरि पुण्य आगी। जे हित के राखे सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। आप चेते नहीं कहो तो रुसुआ होए, कहें कबीर जो आप न जागे निरास्त अस्ति न होए। ये रमणी लंबी है, बीच की कई पंक्तियां मैंने छोड़ दी है। ऐ जीरा तैं अपने दुख ही संहार, कितनी करुणा है सद्गुरु कबीर के मन में, कितने प्रेम से कहते हैं ऐ जीरा, जैसे कोई अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर के खिला रहा हो, समझा रहा हो। मान लो वो रूठा हुआ हो, किसी बात के लिए मचल रहा हो, तो माँ या पिता या कोई या उसको गोद में लेकर एकदम पुचकारते हुए अत्यंत प्यार से समझा रहे हों, ऐसे ही सद्गुरु कबीर या अत्यंत प्यार से करुणापूर्वक समझाते हैं। हमारे दुखों को दूर करने के लिए कि जिस किसी प्रकार से लोग दुखों से मुक्त हो, संत और गुरुजन कभी डांट कर, कभी फटकार कर, कभी पुचकार कर हमें समझाते हैं। और फिर सद्गुरु कबीर की बात तो और निराली है। ये सब जानते हैं धर्म के नाम पर चलने वाले जो पाखंड हैं, मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी जो लोगों को बहका रहे थे, तमाम प्रकार के पाखंड उलझा रहे थे, मनुष्य मनुष्य के बीच एक भेदभाव की दीवार खड़ी कर रहे थे, उनमें से किसी को कबीर साहब ने क्षमा नहीं किया और खुल करके खंडन किया। और जब खंडन करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वे आग के गोला हैं, एकदम उनकी वाणी से एकदम आग की चिंगारी, क्या आग की ज्वाला निकल रही है, सब कुछ को भस्म कर देगी, ऐसा लगता है। उनका एक रूप है यह, जहां भी वो देखते हैं सत्य का मानवता का हनन हो रहा है, धर्मगुरु कहलाने वाले लोग जनता का आर्थिक बौद्धिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं, तो एकदम वो उग्र हो जाते हैं जैसे। लेकिन जब साधकों के बीच आते हैं, संतों के बीच आते हैं, समाज जनता के बीच आते हैं, तो उनका एक बिल्कुल ही दूसरा रूप आ जाता है। और इस रूप की चर्चा लोग प्रायः नहीं करते हैं, अत्यंत विनम्र, अत्यंत प्यार से पुचकारने वाले।
कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। अब की बात मानव जीवन में आकर जो सत्य तत्व को, आत्म तत्व को, परम तत्व को समझ लेता है और साधना में लग जाता है, उसे मैं गुरु मानने को तैयार हूँ, उसका मैं शिष्य बनने को तैयार हूँ, ऐसा कहने वाला गुरु और कौन होगा? दुनिया में शायद कबीर अकेले हों। तैं सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। शिष्य गुरु की सेवा करता है, सब जानते हैं। यहाँ कबीर साहब अपने शिष्य को कह रहे हैं कि ऐ शिष्य, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर ले। शिष्य की सेवा करने वाला गुरु शायद कबीर अकेले हों। और हमारे दुखों को दूर करने के लिए वे कितनी करना पूर्वक हमें समझाते हैं। यहाँ तक वे कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हों बंदा। मैं कहो तो तुम्हें अपना दादा मान लूँ, तुम्हें दादा कहूँ, बड़े भाई कहूँ, तुम्हें पिता समान आदर दूँ, और कहो तो मैं तुम्हारी चरणों की गुलामी कर लूँ, तुम्हारा गुलाम भी बन जाऊँ। हाँ, लेकिन बस इतना करो कि आज मानव जीवन में अपनी सारी मानसिक ग्रंथियों को खोल लो। मानसिक ग्रंथियों से मन के जो बंधन है उससे अपने को बचा लो। कैसी करुणा है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है करुणामय। यहाँ भी उनकी करुणा झलकती है। ऐ जीरा, कितना प्यार है इसका, जरा शब्द को समझिए तो पता चलता है। तैं अपने दुख ही संहार, तुम अपने आप को दुखों से बचा लो। किन दुखों से? जही दुख व्यापी रहा संसार, जो दुख पूरे संसार में फैला हुआ है, जिस दुख से संसार का हर व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, उस दुख से अपने को बचा लो। हमारे जीवन में तीन प्रकार से दुख आते हैं, जिन्हें तीन ताप कहा गया है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप शरीर में होने वाली जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो, शरीर से उत्पन्न होता है रोग, ये दैहिक ताप है। साथ साथ मनोविकारों से जो हम पीड़ित होते हैं, मानसिक क्लेश, मानसिक चिंता, भय, तनाव, ये भी दैहिक ही है, क्योंकि देह से उत्पन्न होते हैं। मन, देह से मन अलग नहीं है। दूसरा है दैविक। देव मतलब प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक शक्तियों को देव कहा गया है। और जब प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, अतिवर्षण हो गया, अनावर्षण हो गया, कहीं पहाड़ टूट गया, कोई पेड़ की डाल टूट गई, आंधी आ गई, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गई, सुनामी आ गई, मतलब जिस किसी प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं से कष्ट होता है, दुख होता है, उसे कहा गया है दैविक ताप। और भौतिक, भूत का अर्थ होता है प्राणी। भूत के अनेक अर्थ होते हैं। भूत के एक अर्थ तो वो तो भूत प्रेत वाला है, जो बिल्कुल काल्पनिक है। भूत का अर्थ तत्व भी है, पंच भौतिक हम कहते हैं, जड़ तत्वों को भूत कहा जाता है। भूत का अर्थ बीता समय है, भूत का अर्थ होना है, अनेक अर्थ हैं। और भूत का अर्थ लीन हो जाना, डूब जाना, जैसे कहा जाता है ब्रह्म भूत हो गया, आत्मभूत हो गया, ब्रह्म मिले, आत्म में लीन हो गया, तो लीनता भी है। लेकिन भूत का अर्थ है
प्राणी, प्राणियों से मिलने वाला जो कष्ट है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, सांप हो, बिच्छू हो, या अन्य कोई मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो, उनसे मिलने वाला जो ताप है उसे कहा जाता है भौतिक ताप। शारीरिक रोग हम परहेज करें, संयम करें, सावधानी पूर्वक खाना पीना आहार विहार रखें, तो हम शारीरिक रोग जो दैहिक ताप है बहुत कुछ बच सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा नहीं बच सकते। पूरा संयम करते हुए भी शरीर में रोग पैदा हो जाता है। हमें कोशिश करना है, प्राकृतिक जो प्रकोप है उससे भी सावधानी रह करके हम यथासंभव बच सकते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोई भी हो, प्राकृतिक प्रकोप से पूरा का पूरा नहीं बच सकता। कोई जीवन मुक्त संत है, महावैराग्यवान, ठंडी के महीना आएगा क्या ठंडी नहीं लगेगी उसको? गर्मी का महीना आएगा तब गर्मी नहीं लगेगी? आंधी चलेगी उसे परेशानी होगी? और भौतिकता, उससे भी हम लोगों से अच्छा व्यवहार करके सावधानी रख करके बच सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा नहीं बचे। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष को भी मच्छर काटेगा, उसे भी सांप काट सकता है, बिच्छू डंक मार सकता है, अन्य लोग उसकी निंदा कर सकते हैं। यथासंभव इन सब से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, इनसे लोग पीड़ित तो हैं, लेकिन सबके सब पीड़ित नहीं रहते, कोई कभी कभी कोई कोई होते हैं। मुख्य जो ताप है, मुख्य जो दुख है, जिससे संसार में अधिकतम लोग पीड़ित हैं, बचा वो क्या है? मानसिक क्लेश। और उससे बचने में हम पूर्ण सक्षम है। जितनी साधनाएं हैं धर्म के क्षेत्र में, वह मानसिक क्लेश से बचने के लिए, मानसिक जो पीड़ा है, चिंता, भय, तनाव, उनसे बचने के लिए है। क्योंकि उसके मूल में है हमारे मनोविकार। हम बाहरी परहेज संयम करते हैं, लेकिन यह अहंकार नहीं कर सकते हम इतनी सावधानी से रहते हैं, परहेज से रहते हैं, शरीर में रोग नहीं होगा। लेकिन हमने साधना करते करते, संत गुरुजनों की सेवा करते, भक्ति करते, संयम करते करते, अपने मन के विकारों को पूरा का पूरा शमित कर लिया, तो हम मानसिक क्लेश से पूरा का पूरा मुक्त हो सकते हैं। और ये केवल विश्वास की बात नहीं है, अनुभव की बात है। जितना जितना मनोविकारों का त्याग होता जाएगा, उतना उतना हम मानसिक अशांति से बचते जाएंगे, आत्मिक शांति, आत्मिक सुख का अनुभव करते चले जाएंगे। और इस मानसिक पीड़ा से, चिंता भय से सभी लोग पीड़ित हैं, कम ज्यादा। साहब ने तो यहां तक कह दिया है, आशा तृष्णा सब घर व्यापी, कोई मन नहीं सुना। साहब कहते हैं कि तंधर सुखिया काहून देखा, जो देखा तो दुखिया, उदय अस्त की बात कहा तो सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही बैरागी। साहब किसी क्षमा नहीं करते, क्या गृहस्थ और क्या विरक्त, अपने अपने ढंग से सब दुखी हैं। क्यों? आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सुना। आशा और तृष्णा, जो नहीं मिला है उसको पाने की इच्छा आशा है, जो मिली है वो और बढ़े ये भावना तृष्णा है। घर द्वार को तो छोड़ दिए,
बाल बच्चों को छोड़ दिए, साधु विरक्त हो गए, गुरु बन गए, महंत बन गए, महामंडलेश्वर बन गए। अब चिंता है कि मठ का विस्तार कैसे हो, अधिक से अधिक लोग कैसे हमें जाने, कैसे हमारे भगत बने, ये भी तो वही विकार है फिर। और जितनी सम्मान की भावना होगी, विस्तार की भावना होगी, उतना हम मानसिक चिंता भय से पीड़ित रहेंगे। हमारे पूर्वज संतों गुरुजनों ने अपने अपने ढंग से काम किया, सहज भावना से किया, हमें भी उसी सहज भावना से ही काम करना है। यदि मानसिक पीड़ा से बचना है, भवसागर से पार होना है, तो गुरुजनों ने हमें ज्ञान दिया, जो कुछ हमें मिला थोड़ी बहुत रोशनी, उनसे यथासंभव उस रोशनी को, उस ज्ञान को हम दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें सहज भावना से। यदि यहां भी तृष्णा आ गई, मैं अधिक से अधिक लोगों को जगा दूं, फिर तो बेचैन रहना ही रहना है, पीड़ित रहना ही रहना, लगेगा कि लोग जाग नहीं रहे हैं, लोग मुझे मान न रहे, मेरी बात को मान सुनते नहीं है, मुझे सम्मान मिलता नहीं है, मुझे प्रतिष्ठा मिलती नहीं है, ये चिंता में पड़े रह जाए। तो जिस दुख से हम बच सकते हैं वह है मानसिक, और उसी के लिए पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण ध्यान चिंतन साधना अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं। ऐ जीरा तय अपने दुख ही संहार, जे दुख व्यापी रहा संसार। सदगुरु कहते हैं कि ऐ लोगों, जिस दुख से संसार के सभी लोग पीड़ित हैं, उस दुख से तुम अपने आप को, मानसिक क्लेश से अपने आप को बचा लो। मानसिक क्लेश का कारण क्या, पीड़ा का, चिंता का, भय का कारण क्या? माया मोह बंधा सब लोई, सभी लोग माया मोह से बंधे हुए हैं। बस माया का जो मोह है, यही हमारे मानसिक पीड़ा का कारण है। कहीं भी हम मोह करेंगे, माया खड़ी हो जाएगी। लोग कहते हैं क्या करें महाराज, माया ने ऐसा जकड़ लिया है, उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल। माया की बड़ी चर्चा है, बड़ी चर्चा है। भावनावादी लोग कहते हैं भैया भगवान की माया बड़ी अपरबल है, हरी माया दुस्तर तरी न जाय विघेश। गोस्वामी जी ने कहलवाया है कि भगवान की माया बहुत दुस्तर है, दुस्तर मतलब जिसे तरना पार पाना कठिन, उसे तरना संभव नहीं है। भगवान ने अपनी माया सब पर डाल दी है और वो माया दौड़ दौड़ कर सबको भटका रही है, प्रायः लोग ऐसा कहा करते हैं। लेकिन कहते समय भी लोग समझ नहीं पाते कि जो हम कह रहे हैं, हमारा कहना कितना गलत। जब भगवान दयालु है, कृपालु है, दया के सागर है, करुणा निधान है, इतने सारे विशेषण उसमें है, पतित पावन है, तब किसी पर माया डाल करके वह भटकाएगा क्यों? भटकाने वाला तो क्रूर होता है, क्रूर हृदय का, दूसरे के दुखों को देख करके जो खुश होने वाला था शैतान। भगवान तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, फिर वो माया क्यों डालेगा? हमारे ऊपर किसी भगवान ने माया नहीं डाली है,
जिस माया से हम पीड़ित हैं वो माया हमारी बनाई है। कबीर साहब ये नहीं कहते कि माया दुस्तर है, ये अत्यंत कठिन है, पार पाना मुश्किल, ये तो जो ईश्वरवादी लोग हैं वो लोग कहते हैं। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय है, अघटित घटना पटी ऐसी है। ब्रह्मवादियों की माया समझना तो और बड़ा मुश्किल। इसलिए स्वामी शंकराचार्य जैसे महाविद्वान, महातपस्वी वैराग्यवान महापुरुष को भी कहना पड़ा, सन्नापि सन्ना अप्युभयात्मकानो, भिन्नापि भिन्ना अप्युभयात्मकानो, संगापिनंग अप्युभयात्मकानो, महद्भूता अनिर्वचनीय रूपा। माया की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल, कहते हैं महान अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, वह अघटित घटना पटी ऐसी है, ये कहना भी गलत है। इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा अभी मैं। कबीर साहब माया की बड़ी सरल व्याख्या करते हैं, सहज समझ में आ जाने वाली। माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। जो मन से न उतरे, हमेशा दिमाग में सवार रहे, वो माया, वो क्या है? आदत, आसक्त, मोह, मन के विकार। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। साहब कहते हैं मन और माया दोनों एक ही है, मन ही माया है। हमारा जो विकारी मन है, संसारासक्त जो मन है, वासनाओं में डूबा मन है, यही माया तैयार करता है, यही से माया पैदा होती है, आसक्त, वासना, मोह, विकार, और यही हमारे दुख का कारण है। आसक्ति, मोह, वादत, आदत, वासना, इनको मिटा दें, बाहर दुख का कोई कारण नहीं रह जाएगा। और जब तक हमारे मनोविकार शांत नहीं होंगे, आसक्ति आदत हम दूर नहीं करेंगे, कहीं चले जाएं, कुछ भी बन जाए, कुछ भी पा जाए, मानसिक क्लेश, चिंता, भय से हम मुक्त हो नहीं सकते हैं। इसमें थोड़ा लाभ दिखाई पड़ता है, सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन मूल गौ खोई, हमारा मूल धन, हमारा विवेक, हमारा आत्मधन, हमारी आत्मशांत, हमारी स्वस्थता, ये सब खो जाते हैं। आवश्यकता है मन का जो मोह है उसे मिटाने की। दुनिया में हम आए हैं, दुनिया की सेवा करें जो बन सकता है, लोगों के बीच रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनके लिए जो कर्तव्य है आपका, आपकी जो जिम्मेदारी है वो सब पूरा करें, सबको प्रेम का व्यवहार दें, लेकिन हम ऐसा कम करते हैं, मन को चिपका लेते हैं। मोह एक ऐसा लाशा है जो हमें दुनिया से जोड़ देता है, वो लाशा लगाना हम जानते हैं, छुड़ाना नहीं जानते। चिपकने की आदत, पकड़ने की आदत, अधिकार में रखने की जो आदत, यही आदत दुखों का कारण है। क्षणिक लाभ का भ्रम होता है, लेकिन मूलधन आत्मशांत जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं वो आत्मशांति खो जाती है। माया मोह बंधा सब लोई, आपको सभी लोग बंधे हुए हैं, किन कौन कौन बंधे हैं ये कहना बेकार, सब लोग बंधे हैं, रूप बदल जाता है। अवधू माया तजी न जाई, ये भी सद्गुरु कबीर का एक पद है, अवधू माया तजी न जाई, गिरही तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के जोगी,
काम तजे तो क्रोध न छोड़ा, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो मान न छोड़ा, मान बड़ाई शोभा। ये मान सम्मान की तृष्णा, मैं बड़ी गद्दी का मालिक, मैं बड़ा आचार्य, मैं बड़ा साधु, मैं पुराना साधु, मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा बैरागी, ये भी तो माया है। और वो जो मोटी माया है, पत्नी बच्चे के आसक्ति, घर द्वार के आसक्ति, छोड़ना सरल है, लेकिन ये प्रसिद्धि की चाहना, साधु होने का अहंकार, गुरु होने का अहंकार, महंत होने का अहंकार, ये अहंकार छोड़ना बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता। इडले साहब ने कहा, मोटी माया सब तो झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। कुल मिलाकर के जो हमें भटका दे, हमें अपने आप में रहने न दे, ज्ञान में विवेक में विचार में जीने न दे, वो माया है। अब नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है। ये माया का मोह जितना दिमाग में सवार रहेगा, उतना हम दुखी बने रहेंगे। चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी कहला लें, या कुछ भी पाजा कहीं चले जाए, और मन का मोह मिट गया, मानसिक विकार शांत हो गए, समित हो गए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस वहीं पर मुक्ता है। उसी से मुक्त होने के लिए, जो मानसिक क्लेश से मुक्त होने के लिए सद्गुरु कबीर का आदेश है। लेकिन होता क्या है, मोर तोर में जरे जग सारा, धृग स्वारत झूठा अहंकारा। सारा संसार मोर और तोर, अहंता ममता की आग में जल रहा है। जब तक जीवन है तब तक कुछ अपना मानना पड़ता है, बिना माने व्यवहार चलेगा नहीं। अपना घर मानना पड़ेगा, अपना खेत खलिहान मानना पड़ेगा, अपनी जमीन जायदाद, अपनी दुकान मानना पड़ेगा, अपने बाल बच्चे, अपना परिवार मानना पड़ेगा, तब व्यवहार चलेगा और तब व्यवस्था होगी। बिना माने न व्यवहार चल सकता है, न बिना माने व्यवस्था होगी। लेकिन व्यवहार के लिए माने, व्यवस्था के लिए माने, और व्यवहार करते हुए, व्यवस्था करते हुए ये समझना होगा कि आजकल में इनका और मेरा संबंध सदा सदा के लिए छूटने वाला है, लेकिन हम इसमें राग और द्वेष की आग जला लेते हैं, दृढ़तापूर्वक मान लेते हैं, ये मेरा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, अहंकार पूर्वक बात करने लग जाते हैं, अब फिर राग द्वेष बना लेते हैं, और राग द्वेष रात दिन जल रहे हैं। साहब कहते हैं मोर तोर में जरे जाता है, ये मोर तोर का अर्थ है यहाँ पर राग द्वेष। जहां जहां अनुकूलता मिली राग करते गए, जहां जहां अनुकूलता टूटी, हमारे मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, मन के प्रतिकूल काम हुआ, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, द्वेष बना लिया, और राग द्वेष की आग में जीवन पर्यंत जलते रह जाते हैं। व्यवहार का काम करें यथोचित, जहां का जैसा है, लेकिन सावधानी ये रखना है, मोह और बैर या राग और द्वेष ये न बनने पाए। मोह और बैर, राग और द्वेष से मुक्त हो जाना ही भवसागर से मुक्त होना है। ये कहना चाहिए, राग द्वेष मोह बैर ही भवसागर है, इसके मूल में है इच्छा कामना आसक्ति, सुख पाने अधिकार पाने की लालसा। जितना जितना अधिकार की लालसा होगी, सुख पाने की लालसा होगी, उतना उतना हम राग द्वेष के शिकार बनते जाएंगे और उलझते चले जाएंगे। सद्गुरु कहते हैं मोर तोर में जरे जग सारा, सारा संसार मोर और तोर, राग और द्वेष की आग में जा, धृग स्वारत
झूठा अहंकारा, ऐसे जो झूठा स्वार्थ है और अहंकार है उसको धिक्कार है। स्वार्थ हर व्यक्ति का है, स्वार्थ का आवश्यकता है, हमें भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए, जीवन निर्वाह की अन्य वस्तुएं चाहिए, ये भी तो स्वार्थ है। और इस स्वार्थ के बिना जीवन चलेगा नहीं, लेकिन हमारा स्वार्थ मानवीय होना चाहिए, पशुता का नहीं। मानवीय स्वार्थ वह है जिसमें किसी के अधिकार का हनन नहीं होता, किसी के रास्ते में रोड अटकाया नहीं जाता, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होती, जहां बांट करके खाना है, मिलजुल करके रहना है, समता से रहना है, दूसरे को ध्यान करके खाना और रहना है, वो मानवीय स्वार्थ है। और जहां झगड़ना करके, चाहे झगड़ा किसी बात के लिए हो, जहां लड़ाई है, झगड़ा है, द्वंद्व है, दूसरों को दबाने की चेष्टा है, छीनने की चेष्टा है, वो पशुता का स्वार्थ है। कुत्तों के बीच में रोटी डाल दी जाए, कुत्ते झगड़ करके खाते हैं। आदमी यदि समझदार है, उसके बीच में रोटी डाल दी जाए तो वो बांट कर खाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य, कई बार ऐसा देखा जाता है, कुत्ते तो बांट करके खाते हैं, आदमी झगड़ करके खाने लग जाते हैं। यही है मिथ्या स्वार्थ, झूठा स्वार्थ, झगड़ करके खाना, चाहे किसी के लिए झगड़ा हो, चाहे मान सम्मान के लिए झगड़ा हो, चाहे धन दौलत रुपये पैसे के लिए झगड़ा हो, चाहे किसी भोग के लिए झगड़ा हो, जहां झगड़ा है वहां झूठा स्वार्थ है। सदगुरु कहते हैं तुम्हारे ऐसे झूठे स्वार्थ को धिक्कार है, तुम मनुष्यता को भी नहीं समझ पा रहे हो, फिर कल्याण का काम कैसे करोगे, गुरु के ज्ञान को समझोगे क्या? और इसको लेकर अहंकार, जो जो चीजें मिलती गई, धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, जवानी मिली, रूप मिला, सौंदर्य मिला, बल मिला, अधिकार मिला, जो मिलता गया उनसे जोड़ करके हम अपने को बड़ा मानते गए, बस ये बड़ा मानने की जो भावना, ये अहंकार है। मेरे समान कौन, कौन मेरे सामने टिक सकता है, कौन मेरे सामने ठहर सकता है, मैं सबको देख लूंगा, सबको दिखा दूंगा, ये जो भावना आती है यही अहंकार है। और यही अहंकार हमारे पतन का कारण बनता है। अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है। जो चीजें मिलती है और बिछुड़ती है उनका अहंकार होता है, जो हमारा है, जो कभी छूट नहीं सकता, जिसे हम कभी छोड़ नहीं सकते, उसका अहंकार नहीं होता है। कभी आपने किसी से कहा है तुम क्या समझते हो मैं शुद्ध चेतन हूं, इसका अहंकार नहीं होगा। मैं बड़ा साधु, मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा लेखक, मैं बड़ा धनवान, मैं बड़ा विद्वान, और सब झूठाई है। विनम्रता की आवश्यकता है। सदगुरु कहते हैं दीर्घ स्वार्थ झूठा अहंकारा, जो तुम्हारा झूठा स्वार्थ है, छीना झपटी लड़ाई झगड़े का और झूठा अहंकार, उसको धिक्कार है। संत गुरुजन सदैव हमें धिक्कारते हैं, लेकिन हमारी आंखें खुलती कहां हैं? ऐसी पट्टी बंधी है अविद्या की, मोह की, ठोकर खाते खाते भी वो पट्टी खुल नहीं पाती है। अब पट्टी का न खुलना ही दुख का बंधन का कारण बनता है। झूठी यात रही जग लागी, इनते भागी बहुरी पुनी आगी। लोगों को झूठी आशा लगी हुई है,
अब तक नहीं मिला तो नहीं मिला, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, ऐसी ऐसी आशा है, ऐसी ऐसी इच्छाएँ हैं जो एक जीवन का हजार जीवन है पूरे नहीं होगी, लेकिन आदमी सदैव झूठी आशा के पीछे पड़ा भागता रहता है। इस झूठी आशा पर ही वो कहानी कही जाती है। कहानी याद होगी, कहानियां बातों को समझाने के लिए हुआ करती है, एक संदेश होता है कहानियों में, अब बातों समझने में सरलता होती है। झूठी आशा पर एक कहानी है। एक धोबी और एक नट, दोनों के पास एक एक गधा था। दोनों गधों में मित्रता थी। एक बार 4 महीने के बाद धोबी और नट दोनों की गधा की मुलाकात हुई। धोबी के गधे ने नट के गधे से कहा, यार तुम बहुत दुबले पतले हो गए हो, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, क्या बीमार हो कि क्या कारण है? नट के गधे ने कहा, नहीं मित्र, बीमार नहीं हूं, बराबर मुझे खाने को नहीं मिलता। मेरा मालिक नट सुबह होते ही अपना सारा डंडा झोला जो कुछ रहता सामान मेरी पीठ पर लाद देता है और एक गांव दूसरे गांव जाता रहता है। बराबर वहां जाता है दूसरे गांव में, एक गांव दूसरे गांव जाता है तो गांव में जाता तो वहीं एक खूंटा गाड़ कर मुझे बांध देता है और वहीं खूंटा गाड़ करके करके लोगों को तमाशा दिखलाता रहता है। मैं दिन भर वहीं बंधे बंधे देखता रहता हूँ। शाम को तमाशा दिखला करके वो लौटता है तो अपना आराम करता है, मेरे पैर मुझे एक खूंटा गाड़ कर बांध देता है। बस वही मैं थोड़ी बहुत कुछ घास रहती है उसी को चर पाता हूँ, खाने के बराबर मिलता नहीं पेट भर, इसलिए दुबला हो गया हूँ। तो धोबी गधे ने कहा, मुझे देखो मेरा शरीर कितना मोटा ताजा है। मेरा मालिक धोबी सुबह होते ही कपड़ों की एक गठरी मेरे पीठ पर लाद देता है, मैं नदी किनारे जा कर के उसे पटक देता हूँ। मेरा मालिक दिन भर कपड़ा धोता है और मैं वहाँ 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 पर तालाब में हरी हरी घासें बराबर चढ़ता रहता हूँ खूब मन। शाम को फिर धुले और सूखे कपड़ों की गठरी ले आता हूँ, फिर घर में रख देता हूँ, पटकता हूँ, रात भर आराम से सोता हूँ, मुझे तो बड़ा आराम है। ऐसा करो तुम भी अपने मालिक नट को छोड़ करके मेरे मालिक धोबी के पास आ जाओ, हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे। तो नट के गधे ने कहा, लेकिन मैं आ नहीं सकता। कि क्यों? क्योंकि आगे मुझे बहुत बड़े सुख की आशा है। कि क्या है वो? तो नट के गधे ने कहा, मेरा मालिक नट जब गांव में जाता है एक फुटा गाड़ मुझे बांध देता है और वहीं पर दो बांस गाड़ता है थोड़ी दूर में, दूर दूर में, और दोनों बांसों में रहे रस्सी बांध देता है और उस रस्सी पर चढ़ा करके अपनी जवान बेटी को नचाता है और कहता है, देख गिरना मत, अरे तू गिरेगी ना तो तेरी शादी इसी गधे से कैसे मैं कर दूंगी। मैं सोचता हूँ हर आंधी कभी तो गिरेगी। तो इसीलिए मैं नहीं आना चाहता, बस हम भी सोचते हैं यह हरामदादी कभी तो गिरेगी, अरे अभी ना मेरा सुख आगे तो मिलेगा। धोबी के गधे ने कहा, अरे मूर्ख, ये तो लड़की अभ्यस्त है कभी गिरेगी नहीं, और गिर भी जाएगी ना तो उसकी शादी तेरे साथ नहीं होने वाली है, तो लोगों को हंसाने के लिए कहता हुआ। हमारी आशा भी उस नट के गधे से ज्यादा नहीं है। झूठी आशा में हम रात दिन दौड़ रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं, और आशा हमारी कहीं पूरी होने वाली है नहीं। बाहर से कुछ भी पाने की आशा होगी धोखा खाएंगे। बाहर से चाहे सुख पाने की आशा हो, चाहे मोक्ष पाने की आशा हो, चाहे परमात्मा पाने की आशा हो,
अंत में धोखा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, पछतावा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। यही साहब झूठी आस रही जग लागी, सदैव झूठी आस हम जीते हैं। इनते भागी बहुरी पुनियागी, यदि संसार से सुख पाने की आशा, भोगों से सुख पाने की आशा मिट गई, इनका त्याग कर दिए, भाग गए इनसे, तो बहुरी पुनियागी साहब कहते हैं एक दूसरी आग में जा करके पड़ जाते हैं। अभी तक तो तृष्णा की आग में, वासना की आग में, मोह की आग में जल रहे थे, एक दूसरी आग में सब घर द्वार छोड़ दिए, साधु विरक्त तो हो गए, किसी संप्रदाय में मत पंथ मजहब में जाकर के दीक्षा ले ली है। अब उसका अहंकार सांप्रदायिकता की आग में जाने लग गए कि मेरा मत, मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ ही मोक्ष का एकमात्र रास्ता है, मेरे गुरु की शरण में आकर के कल्याण हो सकता है, मेरे गुरु और मेरे संप्रदाय को छोड़ करके कल्याण का और कोई रास्ता नहीं है, एक मोक्ष और स्वर्ग का एकमात्र रास्ता मेरे गुरु और मेरा संप्रदाय। ये संप्रदाय का अहंकार अभिमान सिर पर सवार हो जाता है, फिर हम बाकी सबको तुच्छ समझने लग जाते हैं, उस आग से भयंकर, और ये भयंकर हिंसा है कि इस पूरी दुनिया में केवल हमारे गुरु और हमारा संप्रदाय ही मोक्ष का रास्ता है, बाकी सब के गुरु संप्रदाय नरक के रास्ते हैं। भयंकर हिंसा, भयंकर हिंसा, और धर्म क्षेत्र में यह हिंसा खूब व्याप्त है, खूब व्याप्त है। जो जिस मत में है सबको यह अहंकार लदा हुआ है, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, आत्म साक्षात्कार, कल्याण, किसी मतपंथ की चीज नहीं है, ये तो हर आदमी की एक अपनी व्यक्तिगत चीज है, जिसे जितना सही ढंग से आत्मबोध हो, सत्य तत्व का बोध हो, परम तत्व का बोध हो, और जिसके मन के विकास जितने छूट करके जितने पूर्ण वैराग्य, वो सही आत्मज्ञान और पूरा वैराग्य कहीं भी रह करके हो सकता, किसी मत, किसी संप्रदाय में, किसी गुरु शरण में हो सकता है। विनम्रता पूर्वक इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है, लेकिन हम संप्रदाय के अहंकार में पढ़कर सत्य के अधिकार ठेकेदार बन जाते हैं और मिथ्या संप्रदाय की आग में हम जलते रह जाते हैं, उस आग से भयंकर आग में जलते हैं। जय हित के राखे सब लो, ईशो सयान बाँचा नहीं कोई। सदगुरु कहते हैं लोगों ने जिस जिस को अपने कल्याण के लिए रखा था, किसी की आशा पूरी नहीं हुई, और बाहर से कुछ पाने की आशा रखने वाले बड़े बड़े सयान भी बचे नहीं, समान लोगों की बात ही क्या है। आवश्यकता है तथ्य को समझने की, जागने की, और इसके लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई सन सुजान, सदगुरु कहते हैं जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है वही समझदार संत है। ऐसा कह सकते हैं वही सन सुजान, वही संत है और वही सयान है, वही सुजान है, या वही समझदार संत। संत कोई भी हो सकता है, किसी कपड़े में हो सकता है। निष्पक्षता, विनम्रता की आवश्यकता है, और निष्पक्ष विनम्र हो करके मानसिक विकारों को शांत करने की आवश्यकता है। कोई मोक्ष देगा नहीं, कोई परमात्मा दर्शन कराएगा नहीं, कैसे मिलेगा नहीं, हम दुखी क्यों हैं, बस ये समझना होगा। हम दुखी हैं केवल अपने अज्ञान और मनोविकारों के कारण। सही बोध से, सच्चे ज्ञान से अज्ञान दूर होगा, और जितनी हम साधना करेंगे, संयम से चलेंगे, विवेक से चलेंगे, उतना हमारा मनोविकार दूर हो गया, अज्ञान पूरा का पूरा मिट गया, मानसिक जो विकार है, वासना तृष्णा है, ये पूरे के पूरे मिट गए,
शेष क्या बचा? शेष जो बचा वही आपका परमात्मा है, आपका होना है, आपका अस्तित्व है, आपके स्वरूप स्थिति है, वही आपका निर्वाण है, कैवल्य है, मोक्ष है, और वही दुख निवृत्ति का साधन है। इसको हमें समझना है तो विनम्रता की आवश्यकता है, निष्पक्षता की आवश्यकता है, और समर्पित होकर के ध्यान चिंतन साधना में लगने की आवश्यकता है। कल्याण का यही एकमात्र रास्ता है। सदगुरु कबीर बहुत करुणा के साथ हमें इसके लिए समझाते हैं कि ऐ जीरा ते अपने दुखी समार, ऐ लोगों अपने आप को मानसिक क्लेशों से संभाल लो, मानसिक दुखों से बचा लो, और मानसिक दुख से बच गए तो बाहर का दुख परेशान नहीं करेगा। सदगुरु की जो करुणापूर्ण वाणी है हमें समझना है, और केवल समझ कर गुरु रुक नहीं जाना है, जीवन में आचरण करना है। जितना जितना हम सत्य को समझेंगे और अपने को समेटते जाएंगे, मानसिक विकारों समन करते जाएंगे, उतने उतने मोक्ष का, आत्मस्थिति का, परम तत्व के साक्षात्कार का अनुभव करते चले जाएंगे। थोड़ा सा 7-8 मिनट समय बाकी है, शांत होकर के अंतिम बार थोड़े समय के लिए आप ध्यान साधना का अभ्यास करें। जो साधना दी गई आपको बताई गई है उसमें मन को एकाग्र करें।